हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ सेकंड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस के बारे में। देखिए, जनरली किसी भी प्लैनेट का एसोसिएशन सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में अच्छा तो नहीं माना जाता, और जिस भाव का भी वो लॉर्ड होता है उसकी डिस्ट्रक्शन ही कही गई है शास्त्रों में। तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से तो ये सेकंड लॉर्ड का ओनर्स अगर सिक्स में है तो अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड लॉर्ड्स प्लेसमेंट इन सिक्स्थ हाउस है, ये अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वजह तो ये है इसकी कि सिक्स्थ हाउस वैसे तो दुस्थाना है, उसको हम दुस्थान बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वो सेकंड हाउस है, फिफ्थ बनता है। यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सेकंड से फिफ्थ है। तो मतलब बेसिकली सेकंड हाउस का ये त्रिकोण स्थान बन जाता है। इस कारण सेकंड लॉर्ड के लिए ये एक पावरफुल पोजीशन है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड अपने से पंचम में जा रहा है। तो ये एक पावरफुल पोजीशन है, क्योंकि वो एक कौन स्थान में आ गया है। तो इस बेस पे ये एक्स्ट्रॉर्डनरी पावरफुल पोजीशन हो गई है और अच्छे रिजल्ट देता है यहाँ पे। ये एक्चुअली हमारे कुछ पिछले कर्मास को रिप्रेजेंट करता है, जनरली मनी गिविंग कर्मास को, क्योंकि सेकंड से फिफ्थ में चला गया है। तो इसलिए ऐसे जातक जो होते हैं ये लोग पैसा बनाने में काफ़ी सक्षम होते हैं। जैसे कि सेकंड लॉर्ड जो है वो वेल्थ को प्रॉमिस करता है, तो यहाँ पे सिक्स्थ में आने से वो काफ़ी मींस हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, हम बोलेंगे कि मार्केटिंग हो गई, या दूसरे का नुकसान करके अपना पैसा कमाना, उस तरह के कामों में भी ये लोग काफ़ी सक्षम होते हैं। इसलिए पैसा तो ये लोग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ज़रूर रहती है कि जो ये लोग पैसा बनाते हैं वो टिकता नहीं है, जनरली मतलब स्पेंड होता रहता है, ये ज़रूर चीज़ है यहाँ पे। बाकी अगर सेकंड लॉर्ड मार्स हो तो उसकी प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में एक एक्सेप्शन मानी गई है, और काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी गुड पोजीशन होती है, बिकॉज मंगल छठे में काफ़ी स्ट्रांग माना गया है। ऐसे केसेस के अंदर ये लोग जनरली अपनी मैटरनल साइड से, यानी कि मामा की तरफ से भी उनके साथ मिलके कोई काम करते हैं, या उनसे इनको गेंस होने के चांसेस होते हैं। इसी प्रकार अगर सेकंड लॉर्ड जुपिटर हो के यहाँ पे बैठा हो तो भी एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि जुपिटर अगर यहाँ बैठेगा तो अपनी नौवीं दृष्टि, नाइन्थ दृष्टि से अपने ही घर को, सेकंड हाउस को देखेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन बन जाती है, जिस वजह से ये लोग अच्छे पैसे बनाते हैं लाइफ में। और वहाँ पे फिर वो वाला जो पैसा है वो इवेड भी नहीं होता, यानी कि ख़त्म नहीं होता है। सेकेंड लॉर्ड जो है वो हम लोगों को वाक स्थान का ओनर होने की वजह से बोलने की एबिलिटी देता है। तो सिक्स्थ हाउस में होने की वजह से ये लोग जो हैं इनकी काफ़ी कन्विंसिंग पावर्स होती हैं। इस वजह से क्या है, ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब सर्विस इंडस्ट्री से अगर ये लोग जुड़े होंगे तो वहाँ पे ये लोग अच्छा ग्रो कर लेते हैं और पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि इनका जो क्षमता है वो ट्रिकी सिचुएशंस में से निकलने की और लोगों को कन्विंस करने की बहुत अच्छी होती है। अब एक ज़रूर चीज़ है यहाँ पे कि अगर ये जैसे कि सेकंड हाउस जो है हमारी आई को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर सेकंड लॉर्ड यहाँ पे वीनस के साथ कोई संबंध हो और ये एफ्लिक्टेड हो,
तो इन लोगों को आइस की प्रॉब्लम ज़रूर आती है लाइफ में, यानी कि मतलब आई साइट, बिकॉज वीनस जो है वो आई साइट को रिप्रेजेंट करता है, तो आई साइट वीक हो सकती है, या अगर और भी मेलेफिक्स हों तो आई डिजीज भी हो सकता है। तो ये एक देखने की चीज़ ज़रूर है यहाँ पे। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड लॉर्ड इन सेवंथ हाउस के बारे में बात करेंगे।